अच्छा, मैंडिबल की ये है बॉडी, ये मैंडिबल का रेमस है पूरा का पूरा, और ये उसका हेड रीजन है, ठीक है जी। अब पहले बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में हमारे पास ये जो पूरा ग्रूव आ रहा है जो कि इसके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस से नीचे आता है और एक्सटेंड करता है, दिस इज नॉन एज ऑब्लीक लाइन। सेंटर में आएंगे अगर हम मेंटर के बिल्कुल ये वाली जगह, ये जो एक प्रोट्यूबरेंस होती है हम कहते हैं मेंटल टूबर्कल प्रोट्यूबरेंस सॉरी, और ये उसके साइड पे एक इधर होगा, एक इस साइड पे भी इस तरह के टूबर्कल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेंटल टूबर्कल्स, ठीक है। तो मेंटल प्रोट्यूबरेंस एंड मेंटल टूबर्कल्स, ये जो हमारे इंसाइजर्स टीथ हैं इनके नीचे ये फॉसा से बना होता है, इसे हम कहते हैं इंसाइसिव फॉसा, ठीक है। ये डिप्रेशन सी होती है, देन उसके बाद हम थोड़ा सा इधर मुड़ जाते हैं तो ये फोरामेन नजर आ रही है जिसमें से ढेरों ढेर चीज़ें निकल के बाहर आ रही है, दिस इज नॉन एज मेंटल फोरामेन, ठीक है। मैंडिबुलर पीछे हमारे पास फोरामेन होगा, वो आगे आके मेंटल फोरामेन से खुलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए अंदर वाले स्ट्रक्चर से, अंदर वाली जगह से, तो ये लाइन है बड़ी प्यारी सी, दिस इज नॉन एज माइलोहाइड लाइन। माइलोहाइड लाइन के जो नीचे फॉसा होता है, दिस इज द फॉसा फॉर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबमैंडिबुलर फॉसा, जिसके ऊपर फॉसा होता है, दिस इज द सबलिंगुअल फॉसा, और जो सबसे नीचे एक जगह होती है, दिस इज द डाइगेस्टिक फॉसा, जहाँ पर डाइगेस्टिक ग्लैंड आके, डाइगेस्टिक मसल आके लगते हैं। नाउ दिस पोर्शन इज द मैंडिबुलर फोरामेन, ये मैंडिबुलर फोरामेन से जा रही है हमारे पास इनफीरियर एल्वियोलर वेसल्स एंड नर्व्स, और अगले वाले मेंटल फोरामेन से निकल के बाहर आती है ये वाली, ठीक है, पूरा कैनाल ट्रेवल करके। ये जो हमारे पास इसका पोर्शन है, ये जबान कितना आगे एक्सटेंड हुआ, जैसे लिंगुला, ये मैंडिबुलर फोरामेन और ये लिंगुला उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है जो आगे। लिंगुला पे याद रखना वो स्टाइलोहाइड लिगामेंट हमारा लगता है, तो इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर वी हैव टू प्रोसेसेस, हमारा कोरोनाइड प्रोसेस और ये वाला है कॉन्डलाइट प्रोसेस। पहले कॉन्डलाइट प्रोसेस की अगर बात करें तो साफ नजर आ रहा है कि इसको हेड भी कहते हैं। इसका एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से देखें तो एक इसके आगे एक फॉसा है ये वाला, इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस है, एक इसका राइट ये मीडियल बॉर्डर है, एक इसका लैटरल बॉर्डर है, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट होता है, टेम्पोरा मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। जो इसका कॉरोनाइड प्रोसेस है उसके देखा जाए तो एक उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल सर्फेस, लैटरल सर्फेस है। जो इसका हमारे चलो एपेक्स भी कर लेते हैं, जो इसकी बाहर वाली लेटरल सर्फेस है उस पर तो सिर्फ कुछ ना कुछ रिजेस वगैरह होते हैं, नथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो इसकी अंदर वाली सर्फेस पे हमारे पास कुछ अटैचमेंट्स हैं, वो हम अटैचमेंट पे उनका जिक्र कर लेंगे, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। टीथ दो प्रीमोलर, एक कैनाइन, बाकी इनसाइज़र्स।